श्री नवग्रह मेले में गुरुवार श्री नवग्रह भगवान ने शाही ठाटबाट के साथ भ्रमण किया। दोपहर में मंदिर से सुसज्जित होकर पालकी भगवान की प्रतिमाओं को विराजित कर बैंड बाजे के साथ पालकी यात्रा निकाली गई। समूचे मेले का भ्रमण कराया गया। इस दौरान मेले में आए व्यापारियों सहित आम नागरिकों ने भगवान का दर्शन कर पूजन कर आशीर्वाद लिया। पालकी यात्रा के साथ ही मेला भी समाप्ति की ओर बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि श्री नवग्रह भगवान के नाम से लगने वाले मेले का समापन से पहले आने वाले गुरुवार को पालकी यात्रा निकाली जाती है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार मकर संक्रांति पर नवग्रह मेले का आयोजन होता है और इसी में नवग्रह भगवान मेले के अंतिम गुरुवार को मेला भ्रमण पर निकलते हैं और उनकी पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है। अंतिम गुरुवार के दिन नवग्रह भगवान की प्रतीक स्वरूप मूर्ति का पूजन पालकी में करके संपूर्ण मेले में नवग्रह भगवान का भ्रमण होता है और सायंकाल मुख्य चौराहे पर महाआरती का आयोजन होता है। यह प्राचीन परंपरा है और 130 वर्षों से अधिक समय हो गया है लगातार मेले के अंतिम गुरुवार को पालकी यात्रा का आयोजन होता है। पालकी यात्रा के बाद समझा जाता है कि मेले का समापन हो गया है या क्या रहता है? दरअसल समझा इसलिए जाता है, जैसे ही अंतिम गुरुवार को पालकी यात्रा का आयोजन होता है सभी ग्रामीण जनता को और जिले भर को पता चलता है कि मेला समापन की ओर है और इसलिए बड़ी भारी संख्या में मेले में खरीदी के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और व्यापार बढ़ता है। क्या नाम? आचार्य लोकेश जागीरदार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।